नमस्कार बच्चों, आज हम विषय हिंदी इकाई नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस इकाई को आज हम समझेंगे जिसका साहित्य स्वरूप है जीवनी। देखो बच्चों, भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का मुख्य योगदान रहा है और प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई के अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। व्यक्तित्व मतलब विशेष गुण। अब देखिए, इन्होंने कई अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य भी किया है, जैसे कला विषय से संबंधित, वाणिज्य मतलब बड़े पैमाने पर व्यापार, फिर व्यवसाय मतलब काम धंधा या रोजगार, जैसे आदि अनेक क्षेत्रों में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे सिर्फ 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। इनको देख के कह दिया था कि ये बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी मतलब कीर्तिमान, मतलब अपना नाम रोशन करेगा। और इस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से मतलब अपने कार्यों से सच साबित कर दी। और जानते हो ये कौन थे? ये थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखो, इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में, और इनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित मतलब इज्जतदार उद्योगपति व्यापारी परिवार था। और पिता का नाम था अम्बालाल और माता का नाम था सरला देवी, और ये 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल मतलब बचपन से प्रतिभावन मतलब प्रतिभाशाली। विक्रम साराभाई जब छोटे थे तब बचपन से ही प्रतिभाशाली एक बच्चे रहे हैं, और उनके सफलता हासिल करने का बचपन से देखो उनको सफलता हासिल करने के उनके ऊंचे इरादे थे। वो बचपन से ही ऊंचे इरादे रखते थे सफलता हासिल करने के लिए। जब वो सिर्फ 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ वे शिमला गए थे। तो शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों सारी चिट्ठियां आती थी, तो ये देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लिफाफे पर अपना नाम और पता लिखा और उसे डाकघर में डाला। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। जब पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे क्या उनका लक्ष्य था, मानसिक भाव था, वो जानने की इच्छा हुई। तो उन्होंने अपने पिता को सारे कारण बता दिए कि उनके नाम से ढेरों चिट्ठियां आती थी, इसलिए वे भी चाहते थे कि विक्रम साराभाई के नाम भी ढेरों चिट्ठियां आए। तो ये असलियत मालूम होने पर उनके पिता को हंसी भी आई, लेकिन साथ में उनकी सफलता पाने की इच्छा जानकर उनको अच्छा भी लगा। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजे मतलब कर्तव्य, अलग अलग प्रकार के विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के कर्तव्य करते और लोगों को अचंभित मतलब हैरान कर देते थे। और उन्हें साहसिक मतलब हिम्मत भरे कारनामे प्रिय थे। और गणित तथा भौतिकी मतलब फिजिक्स दोनों विषयों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। देखो, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की, और 1934 से लेकर 1937 तक उन्होंने गुजरात कॉलेज में अपनी पढ़ाई की। अहमदाबाद से उन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1937 में वे इंग्लैंड चले गए, और 1940 में वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में और भौतिकी में मतलब मैथ्स में फिजिक्स में बीएससी की परीक्षा पास की। और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम साराभाई वापस भारत लौट आए, और यहाँ पर आकर उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी बाबा, ये दोनों भी महान वैज्ञानिक थे, इनके साथ रहकर इन्होंने काम किया। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी वो बड़े प्रभावित हुए, और सन 1942 में उनका विवाह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ करा दिया गया। देखो, इन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से जो आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणें मतलब ब्रह्मांड से आने वाली जो किरणें, उन पर अनुसंधान मतलब खोज करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने सन 1947 में पीएचडी की डिग्री हासिल की।
और उसके बाद ब्रह्मांड तथा सौरमंडल, सौरमंडल मतलब सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले नौ ग्रह आदि का वर्ग या समूह। कई जटिल प्रश्न, जटिल मतलब कठिन प्रश्नों का प्रायोगिक हल, प्रायोगिक मतलब प्रयोग संबंधी हल निकालने का श्रेय भी किसको जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और उनका ही सुझाव था कि कॉस्मिक किरण, जो स्पेस से जो किरणें आती ब्रह्मांड से, उसके प्रयोग के लिए, उसके ऊपर प्रयोग करने के लिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उपयुक्त हो, अनुकूल होगी मतलब ठीक रहेगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस, वैज्ञानिक उपकरण मतलब वैज्ञानिक यंत्रों से लेस एक प्रयोगशाला स्थापित की। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयास, निजी मतलब उनके स्वयं के कोशिशों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी उन्हीं की कोशिशों से अहमदाबाद में स्थापित की गई। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, कपड़ा उद्योग, इंडस्ट्री मतलब उद्योग रिसर्च एसोसिएशन की उन्होंने आधारशिला भी रखी। इसके अलावा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य करते रहे, खगोल मतलब आकाश मंडल आदि पर वे कार्य करते रहे। और सन 1961 में ये परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए, परमाणु ऊर्जा मतलब एटॉमिक एनर्जी। और डॉक्टर बाबा की मृत्यु के पश्चात जो परमाणु ऊर्जा संस्थान था उसका पूरा भार किस पर आ गया, युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर। और उन्होंने ही भारत में भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया मतलब उसकी स्थापना की। विक्रम साराभाई पहले इसके अध्यक्ष बने, बाद में उनकी अगुवाई में मतलब उनकी लीडरशिप है, नेतृत्व में, और उनके अथक परिश्रम, अथक मतलब कठिन परिश्रम के कारण परिणाम से भारत में दूरसंचार जैसे आज हम टेलीफोन मोबाइल सब उपयोग करते हैं, वे दूरदर्शन मतलब टेलीविजन और मौसम विज्ञान जो हम घर बैठे पहले से मौसम का अनुमान लगा लेते हैं। तो इसके पीछे जितने भी मौसम विज्ञान के प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अनेक उपग्रह मतलब प्रोजेक्ट और सैटेलाइट, उपग्रह मतलब सैटेलाइट अंतरिक्ष मतलब स्पेस में जो सफलतापूर्वक कार्य आज कर रहे हैं, तो इनके पीछे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का। तो बच्चों आज हम इस इकाई को यहीं तक समझेंगे, इसके आगे का भाग हम कल भाग नंबर 2 में समझेंगे। नमस्कार।